एक बार फिर से वेलकम आप सबको। और आज का वीडियो है एमएस प्रोजेक्ट में कैसे इंडिविजुअल टास्क का डिले निकाला जाता है, हाउ टू फाइंड द डिले ऑफ इंडिविजुअल टास्क इन एमएस प्रोजेक्ट। हर एक टास्क का डिले निकालने के लिए सबसे पहले जो काम करना पड़ेगा वो है शेड्यूल का ट्रैकिंग। यहाँ पर एक शेड्यूल मैंने बना के रखा है, इससे हम आपको पूरा प्रोसेस को समझाएंगे कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में इंडिविजुअल टास्क का डिले निकाला जाता है। इसके लिए हमको सबसे पहले जो काम करना पड़ेगा वो है प्रोजेक्ट का बेसलाइन सेट करना। जिन्होंने हमारे चैनल का ट्रैकिंग का वीडियो पहले भी देखा है उनको मालूम है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का प्लेलिस्ट में ट्रैकिंग का वीडियो है। यहां पर हम जाएंगे सेट बेसलाइन पर और ये यहां से हम बेसलाइन को सेट कर देंगे। इसको एंटायर प्रोजेक्ट के लिए हम बेसलाइन सेट कर रहे हैं, इसको ओके कर देंगे तो ये बेसलाइन सेट हो गया। अभी हमको कुछ कॉलम इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, उसके लिए हम कहीं पे भी राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट कॉलम पर जाएंगे और यहां पर सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे बेसलाइन स्टार्ट एंड बेसलाइन फिनिश। ये बेसलाइन स्टार्ट आ गया और ये बेसलाइन फिनिश, ये दो कॉलम आ गया। अभी गैंट चार्ट का पार्ट को हम थोड़ा छोटा कर देंगे क्योंकि ये अभी हमको उतना जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन और भी बहुत सारे कॉलम हमको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है। यहाँ पर हमको एक्चुअल स्टार्ट और एक्चुअल फिनिश का भी कॉलम को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एक्चुअल स्टार्ट एंड एक्चुअल फिनिश पे। और हमको एंट्री करना पड़ेगा परसेंट कॉम्प्लीट और यहाँ पर आएगा रिमेनिंग ड्यूरेशन। तो ये बेसिकली जो ड्यूरेशन है ये उस टास्क का रिवाइज ड्यूरेशन हो गया। इसको ये एक्चुअली रिलेटेड है स्टार्ट और फिनिश के साथ, ये हम यहाँ पर मूव कर देंगे और यहाँ पर और एक कॉलम को हम एंट्री कर लेंगे, वह है बेसलाइन ड्यूरेशन। अब इसको ये शेड्यूल को हमको ट्रैकिंग करना है। ट्रैकिंग करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ करना पड़ेगा स्टेटस डेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम जाएंगे प्रोजेक्ट टैब के अंदर, स्टेटस डेट का ऑप्शन को चूज करेंगे और यहाँ पर आज का डेट दे देते हैं। आज का डेट अगर 2nd November 2023 है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, अगर कोई दूसरा डेट देना है तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको करके तो ओके कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टेटस डेट चेंज हो गया, जो पहले नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा था वो अभी 2nd November 2023 दिखा रहा है। अब हम क्लिक करेंगे अपडेट प्रोजेक्ट पर। अपडेट प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हुए ये डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ पर हमको माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट पूछ रहा है कि अपडेट वर्क एज कंप्लीट थ्रू 2nd November 2023 दिखाना है या फिर और कोई डेट को चूज करना है। तो हमने एंटायर प्रोजेक्ट के लिए हम 2nd November 2023 का ही डेट पर प्रोजेक्ट को अपडेट करेंगे, इसका स्टेटस को अपडेट करेंगे, तो यही डेट हम रहने देंगे और इसको ओके कर। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक एक टास्क को हमको ट्रैकिंग करना पड़ेगा। एक्चुअल स्टार्ट डेट, अगर वो एक्टिविटी स्टार्ट हो गया है उसका कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है, और रिमेनिंग ड्यूरेशन यानी कि जो काम आज का दिन में बचा हुआ है, आज का दिन मतलब 2nd November 2023 जो हमारा स्टेटस डेट है, और कितना ड्यूरेशन चाहिए उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल पहला टास्क है फाउंडेशन। एज ए प्लानिंग इंजीनियर आपको जांच करना है और कितना दिन हमको चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए। पहले तो इसका एक्चुअल स्टार्ट डेट डालना है, तो एक्चुअल स्टार्ट डेट हम यहां से सिलेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट 25 तारीख को शुरू होने का था, हम कंसीडर करते हैं कि ये 25 तारीख को ही शुरू हुआ है, तो 25 तारीख 25 अक्टूबर 2023 हम यहां पर इसका एक्चुअल स्टार्ट डेट डाल दिया। और मान लीजिए इसका 25% काम अभी खत्म हुआ है, तो 25 लिखकर हम एंटर मार देंगे। यहां पर देखिए रिमेनिंग ड्यूरेशन, ये दो पैरामीटर आप जैसे ही डाल दिया यहां पर रिमेनिंग ड्यूरेशन चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। ट्रैकिंग करने के लिए एक्चुअल स्टार्ट डेट, अगर टास्क शुरू हुआ है तो वो एक्चुअल स्टार्ट डेट तो आपको डालना ही है, बट उसके बाद ये परसेंट कंप्लीट और रिमेनिंग ड्यूरेशन में से कोई एक को डालना है। अगर आपको लग रहा है कि जो काम है उसका 25% काम खत्म हो गया है और ये टास्क अभी ऑनगोइंग है तो आप उसको परसेंट कंप्लीट में फिगर डालिए, और अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं आज का दिन में इस काम का जो स्थिति है इसको कंप्लीट करने के लिए जो एस्टिमेटेड टाइम था, जो एस्टिमेटेड ड्यूरेशन था उससे ज्यादा टाइम लगेगा, तो आप रिमेनिंग ड्यूरेशन में डालिए। ज्यादा टाइम या कम टाइम भी लगेगा तो
रिमेनिंग ड्यूरेशन में आप फिगर डालिए। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट टास्क है प्लिंथ बीम, तो प्लिंथ बीम का हम यहां से स्टार्ट डेट डाल दिया, ये एक्चुअली 14th नवंबर को शुरू होने का है, तो हम यहां पर इसको डाल देते हैं कि आज का दिन से ये काम शुरू हो रहा है। कंसीडर करते हैं कि ये काम हमारा 5% खत्म हुआ है, तो ये 5% डालने से कि रिमेनिंग ड्यूरेशन ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, लेकिन हमको लग रहा है कि ये प्लिंथ बीम का जो टास्क है बाकी 95% खत्म करने के लिए हमको 18 दिन चाहिए, तो हम यहां पर 18 लिखकर इसको एंटर कर देंगे। तो देखिए ये पार्सन कंप्लीट का जो फिगर है ये 5% से भी 3% हो गया। ये परसेंटेज क्यों चेंज हुआ, ये टास्क रिलेटेड है फाउंडेशन के साथ, फाउंडेशन का काम अभी तक 25% ही खत्म हुआ है, फाउंडेशन का काम जब तक खत्म नहीं होगा तब तक प्लिंथ बीम का काम पार्टली शुरू हो सकता है, बट फाउंडेशन के साथ इसका प्रोग्रेस भी रिलेटेड है। इसलिए यहां पर देखिए स्टार्ट डेट, जैसे कि हमने यहां पर एक्चुअल स्टार्ट 2nd November 2023 दिया, तो ये स्टार्ट डेट 2nd November 2023, बट डिपेंडिंग ऑन द प्रीडिसेसर रिलेशनशिप विद फाउंडेशन और रिमेनिंग ड्यूरेशन जो हमने डाला है 18 डेज, इसका फिनिश डेट अभी बन गया 2nd December 2023, नवंबर का 30 दिन और दिसंबर का 2 दिन, यानी कि टोटल 32 डेज इसका भी ड्यूरेशन बन गया। ये 32 डेज में से अभी एक ही दिन का एक्चुअल ड्यूरेशन हुआ है, तो उस हिसाब से अभी माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट कैलकुलेट कर रहा है कि ये टास्क का परसेंट कंप्लीट है 3%। ये परसेंट कंप्लीट का जो फिगर है इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द ड्यूरेशन दैट हैज इलैप्स्ड विद रिस्पेक्ट टू द रिवाइज्ड टोटल ड्यूरेशन। फर्स्ट फ्लोर रूफ और टेरा स्लैब का भी काम अभी शुरू नहीं हुआ है, तो ये हमारा एक ट्रैकिंग हो गया जहां पर बेसलाइन स्टार्ट बेसलाइन फिनिश के साथ हम स्टार्ट फिनिश का अभी कंपेयर कर सकते हैं। अब ये जो जितने भी टास्क है इसका डिले को डिस्प्ले करने के लिए यहां पर एक डिले का कॉलम डिस्प्ले करना है, जिसमें हम दिखाएंगे कि हर एक टास्क का बेसलाइन फिनिश से एक्चुअल फिनिश में कितना डिले हो रहा है। अब हमको पहले जाना पड़ेगा कस्टम फील्ड ऑप्शन में, ये प्रोजेक्ट का जो टैब है प्रोजेक्ट टैब में ये कस्टम फील्ड का ऑप्शन आता है। यहां पर देखिए टास्क रिसोर्स प्रोजेक्ट हर एक टाइप का कस्टम फील्ड होता है, तो कस्टम फील्ड टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 टेक्स्ट 3 ऐसा करके, ये टेक्स्ट टाइप का अगर कस्टम फील्ड आपको चाहिए उसके लिए है, अगर नंबर टाइप का चाहिए वो भी है, यहां से आप चेंज कर सकते हैं, इसको कॉस्ट टाइप कर सकते हैं, डेट टाइप कर सकते हैं, हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो हमारा ये वीडियो में हमको देखना है कि कैसे हमको टास्क का इंडिविजुअल टास्क का डिले हम डिस्प्ले कर पाए। हम टेक्स्ट 1 को सिलेक्ट करेंगे और इसको रीनेम कर देंगे डिले डेज करके, इसको ओके कर देंगे। तो अभी देखिए इसका नाम चेंज हो गया, डिले डेज ब्रैकेट में आ गया टेक्स्ट 1। अब यहां पर देखिए कस्टम एट्रीब्यूट्स, मतलब यहां पर ये जो कॉलम अभी हम लोग एंट्री करेंगे क्या वैल्यू दिखाएगा ये डिसाइड करेंगे हम लोग कस्टम एट्रीब्यूट में। अब कस्टम एट्रीब्यूट के अंडर में नन, लुकअप एंड फॉर्मूला, ये तीन ऑप्शन है, हमको जाना है फॉर्मूला में। यहां पर हमको एक वार्निंग मैसेज दिखा रहा है, एनी एग्जिस्टिंग डेटा इन द डिले डेज फील्ड विल बी डिस्कार्डेड एज ऑल वैल्यूज विल नाउ बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। अगर आपने पहले से कोई वैल्यू यहां पर डाल के रखा है तो वो डिस्कार्डेड हो जाएगा, तो हमको हमने ऑलरेडी कोई वैल्यू डाला नहीं है, तो हम लोग इसको ओके करेंगे। टू एनेबल द फॉर्मूला एंड रिप्लेस ऑल डेटा इन द डिले डेज फील्ड विद द कैलकुलेटेड वैल्यूज, जो कि हम अभी फॉर्मूला डालेंगे, क्लिक ओके, हम ओके क्लिक कर देते हैं। अब क्या फॉर्मूला होगा उसको हमको डिसाइड करना है, फॉर्मूला पर क्लिक करेंगे और यहां पर देखिए आ गया डिले डेज इक्वल टू, मतलब डिले डेज कॉलम में क्या वैल्यू शो करेगा। इसमें हमको क्या दिखाना है, एक्चुअल जो फिनिश डेट, अभी जो रिवाइज्ड फिनिश डेट आ रहा है वहां से हमको माइनस करना है बेसलाइन फिनिश को, वही वैल्यू हमको यहां पर दिखाना है। तो इसके लिए देखिए इंसर्ट फील्ड, ये एक ऑप्शन आ रहा है, तो इंसर्ट फील्ड में हम जाएंगे और यहां से हम यहां पर डेट में जाएंगे, स्टार्ट डेट और फिनिश डेट ये दोनों है, हम यहां से फिनिश को क्लिक करेंगे। ये फिनिश जो है ये एक्चुअली रिवाइज्ड फिनिश है, रिवाइज्ड फिनिश डेट आफ्टर अपडेटिंग द प्रोजेक्ट विथ एक्चुअल प्रोग्रेस जो हमने अभी तक किया। यहां से हमको माइनस करना है, हम यहां पर माइनस साइन देंगे और फिर से जाएंगे इंसर्ट फील्ड पर, यहां पर डेट में जाकर हमको जाना है ये बेसलाइन फिनिश, यहां पर जाकर हम बेसलाइन फिनिश को सिलेक्ट कर लेंगे। बस इतना ही फॉर्मूला अभी हमको यहां पर देना है और फिर हमको यहां पर एक राउंड अप फंक्शन ऐड कर देना है, राउंड जैसे हम लोग एक्सेल में करते हैं, इसको हम जीरो से राउंड कर देते हैं, क्योंकि यहां पर जो परसेंटेज और जो रिमेनिंग ड्यूरेशन का जो एस्टिमेट हमने डाला है उसके हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जो कैलकुलेशन करेगा उसमें हो सकता है कि डिफरेंशियल डेट आपको फ्रैक्शन में आए,
तो इसके लिए ये राउंड अप हम लोग कर दे रहे हैं, इसको ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पर तो कोई चेंज अभी आया नहीं, ये चेंज लाने के लिए अभी हमको क्या करना है, ये कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करना है और इंसर्ट कॉलम पर जाकर जो फील्ड हमने नेम दिया था उसको सिलेक्ट करना है। तो अब देखिए ये यहाँ पर एक कॉलम आ गया जिसमें हर एक टास्क के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ वैल्यू है। ये वैल्यू क्या है, पहला है फाउंडेशन का अगेंस्ट में दिखा रहा है कि -4, यानी कि जो 13 तारीख को जो टास्क ख़त्म होने वाला था वो अभी 9 तारीख को हो रहा है, तो अभी 4 दिन का एडवांस में चल रहा है, तो ये -4 दिखा रहा है। डिपेंडिंग ऑन द रिलेशनशिप ऑफ द प्रेडिसेसर और जो हमने रिमेनिंग ड्यूरेशन और प्रोग्रेस परसेंटेज दिया उसके हिसाब से प्लिनियम का बेसलाइन फिनिश जो हमारा था 27 नवंबर वो अभी 2 दिसंबर तक चला गया, यानी कि ये टास्क हमारा 5 दिन का डिले हो गया। ऐसा करके ईच एंड एवरी टास्क का कितना डिले है या फिर कितना एडवांसमेंट है वो यहाँ पर ये कॉलम में आपको दिखेगा। इसको आप एक्सेल में एक्सपोर्ट करके भी कुछ यहाँ से रिपोर्ट बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये सब टास्क में तो आ गया लेकिन समरी लेवल टास्क पर कोई फिगर यहाँ पर आया नहीं, यानी कि ये टोटल प्रोजेक्ट ओवरऑल कितना डिले में या कितना एडवांसमेंट में चल रहा है वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ये इसको दिखाने के लिए इससे हमको कस्टम फील्ड में जाना है, कैलकुलेशन फॉर टास्क एंड ग्रुप समरी रोज में जाकर यूज फॉर्मूला में क्लिक कर देना है। इसको हम फिर से ओके कर देंगे और यहाँ से ओवरऑल प्रोजेक्ट का डिले आपको मिलेगा।